नमस्कार, मैं यश सिंह प्रभात खबर डिजिटल से जुड़ गया हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मनीष जी। मनीष जी ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं टुबुदाना हटिया से। तो आज हम मनीष जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ड्रैगन फ्रूट में क्या प्रॉस्पेक्ट है, कैसे ये काम होता है, इन्होंने ये इसकी शुरुआत कैसे की और कैसा इनका सफ़र रहा और आगे ये कैसे लाभदायक है हमारे बाकी भाइयों को जो इस काम को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मनीष जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपने ये ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत कैसे की और क्या सफ़र रहा, कब से आपने काम शुरू किया और किस विस्तार रूप में, किस पैमाने पर आप ये काम कर रहे हैं। देखिए, ड्रैगन फ्रूट का खेती दरअसल 2015 से मैं देखा था साउथ में, कि 2015 में जब साउथ गया था तो कि वहाँ कुछ किसान लोग ड्रैगन फ्रूट का खेती कर रहे थे। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी मात्रा में ज़मीन था, रांची में भी है और गांव में भी था। तो हम सोचे कि अगर एक दो एकड़ में ड्रैगन लगाया जाए तो इधर उधर कहीं भटकने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और ड्रैगन फ्रूट से मतलब कुछ आमदनी किया जा सकता है, क्योंकि वो क्रेक्टस प्रजाति का होने के वजह से पानी का ज़्यादा खपत नहीं लेगा, पानी ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है, वो हम लोग का पठारी ज़मीन में भी अच्छा हो सकता है। उसी को देखते हुए हम कुछ 50-60 डिसमिल में हम अपना खेत में लगाए थे। तो 50-60 डिसमिल में जब लगाए ड्रैगन फ्रूट को, तो वहाँ जब देखे कि अच्छा हो रहा है और फ्रूट भी अच्छा लग गया एक साल के अंदर में, तो काफ़ी लोग प्रशासन की तरफ से भी आए देखने के लिए। तो वहाँ देखने के बाद में हमको भी काफ़ी उत्साहित लगा कि नहीं, ये ड्रैगन फ्रूट सही है और इसको करने से इसका रेट भी बढ़िया है। 250-300 रुपये किलो का डिमांड था उस समय में, तो हम बेचे नहीं, बांटे फ्रूट को, सारे लोगों को खिलाए। तो उसी तरह से मेरा कुछ जान पहचान वाले लोग तैयार हो गए कि भैया मेरा भी लगवा दो। तो मैं जैसे लगाया था सेम कॉपी उन लोग का किया, उसमें कोई बदलाव नहीं किया, जैसे उसका स्ट्रक्चर बनाया था, जैसे उसमें खाद दिया था, मतलब जैसे उसको मैं किया उसी को कॉपी अगला को करवाया जो कि खूटी में। और वहाँ सबसे शानदार हुआ, क्योंकि वहाँ करीब करीब 1.25 एकड़ ज़मीन में हम करवाएं, यानी कि 400 स्ट्रक्चर में, 400 खंभा 425 में लगा। तो वहाँ लगने के बाद एक साल लमसम हो गया तो वहाँ भी फ्रूट शुरू हुआ। तभी वहाँ का खूटी के आत्मा की पीडी जो अमरेश कुमार थे, वो गए देखने के लिए। वो फिर उनको पता चला कि नहीं, कोई मनीष राज है जो टिपूदाना का वो लगवाया है। तो फिर मेरा नंबर वो खोजे और हमको बुलाए, दोनों मिल के बातचीत जब किए तो खूटी के डीसी सर गए वहाँ देखने। और डीसी सर जब देखे तो फिर वो फैसला आगे लिए कि नहीं, इसको अब बड़े पैमाने पे करना होगा। और उस क्षेत्र में हम लोग को फिर वो पूरा मतलब काम करने के लिए हिम्मत दिया, हौसला दिए। तो खूटी जिला में लमसम आज हम लोग करीब करीब 80-90 एकड़ एरिया में ड्रैगन लगवा चुके हैं। और तो जैसा कि हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपने ये काम जब शुरू किया, हाँ, तो 30-40-50 डिसमिल जमीन से काम आपने, हाँ, शुरू किया था। 30-40 फिर ये काम बढ़ा, ये ड्रैगन फ्रूट को सबने ये किया कि ये बहुत अच्छा, इससे फसल अच्छी हो रही थी और फ्रूट्स अच्छे आ रहे थे जो उसका पैदावार था। तो उसके बाद आपने इसको और बढ़ा के अभी जामताड़ा, सरायकेला जी, सिमडेगा जी, ये सब जिला में हो रहा है। तो जैसे कि अभी आपने अपने इस खेती को बढ़ाया और आगे इसको आप ले गए, तो ये आप जैसे क्या ये खेत आप एक्वायर करते हैं, या अगर किन्हीं को करना है, जैसे मान के चलिए हमारे कोई दर्शक है या मुझे अगर ये चीज़ करना है तो मैं अपना खेत का वो आपको दूंगा, वो सारा चीज़ आप मेरे को ट्रेन करेंगे, और ये कैसे, मान के चलिए कि मेरी कोई ज़मीन है और हम 50 डिसमिल और हम उस पर ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या कैसे वो करना होगा। वो ऐसा होता है कि जो जल छाजन है, वाटर सेट का जो हम काम करते हैं, तो मेरा एक कंपनी है मनीष एग्रो फार्म। मेरा कंपनी मनीष एग्रो फार्म जो है, तो सीड्स का जो है सो जो प्लांट है उसका हम होलसेल डीलर है यहाँ, तो हम सप्लाई भी करते हैं। इसके लेकर के जैसे खंभा बनाने का काम भी मेरा है, जो खूटी कर्रा में मेरा खंभा बनाने का फैक्ट्री भी है, तो वहाँ से हम खंभा प्रोवाइड करते हैं किसान को और सीड्स वहीं पर रखते हैं, सीड्स भी देते हैं। और जैसे सीड्स खंभा सारा मेरा होता है, तो हम पहले से ड्रैगन फ्रूट का खेती करते हैं, इसलिए किसान को हम खेत में बुला के ट्रेनिंग दे देते हैं। और किसान जब ट्रेंड होता है तो फिर देख लेता है, तो फिर जाके उसका खेत में हम लोग काम को शुरू करते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि जो विशेष एरिया को जो वाटर सेट चयन किया रहता है,
अपना एक क्षेत्र होता है उन लोग का, जो चयनित एरिया रहता है उसी एरिया में उन लोग लाभुक सिलेक्ट करता है, और लाभुक जो सिलेक्ट करता है उसी क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं कि ड्रैगन लगाते हैं उसी का खेत में। अब बात आता है कि जिला योजना का जो खूंटी में हुआ था, तो उसको खूंटी में जिला योजना जो लगा हुआ जिला योजना से फूट, तो वहाँ पे आत्मा संस्था को दिया गया था, आत्मा संस्था को दिया गया था, और आत्मा संस्था जो है लाभुक का चयन किया, उस खेत में हम खेती लगवाएं। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।